पहनावा। एक महिला को सब्जी मंडी जाना था। उसने जूट का बैग लिया और सड़क के किनारे सब्जी मंडी की ओर चल पड़ी। तभी पीछे से एक ऑटो वाले ने आवाज़ दी, कहाँ जाएंगी माता जी? महिला ने, नहीं भैया कहा तो ऑटो वाला आगे निकल गया। अगले दिन महिला अपनी बिटिया मानवी को सफ़र बस में बैठा कर घर लौट रही थी। तभी पीछे से एक ऑटो वाले ने आवाज़ दी, बहन जी चंद्रनगर जाना है क्या? महिला ने मना कर दिया। पास से गुजरते उस ऑटो वाले को देखकर महिला पहचान गई कि ये कल वाला ही ऑटो वाला था। आज महिला को अपनी सहेली के घर जाना था। वह सड़क किनारे खड़ी होकर ऑटो की प्रतीक्षा करने लगी। तभी एक ऑटो आकर रुका, कहा जाएंगी मैडम? महिला ने देखा ये वो ही ऑटो वाला है जो कई बार इधर से गुजरते हुए उससे पूछता रहता है। चलने के लिए महिला बोली, मधुबन कॉलोनी है ना, सिविल लाइन्स में वही जाना है, चलोगे? ऑटो वाला मुस्कराते हुए बोला, चलेंगे क्यों नहीं मैडम, आ जाइए। ऑटो वाले के ये कहते ही महिला ऑटो में बैठ गई। ऑटो स्टार्ट होते ही महिला ने जिज्ञासावश उस ऑटो वाले से पूछ ही लिया, भैया एक बात बताइए, दो तीन दिन पहले आप मुझे माता जी कहकर चलने के लिए पूछ रहे थे, कल बहन जी और आज मैडम, ऐसा क्यों? ऑटो वाला थोड़ा झिझक कर शर्माते हुए बोला, जी सच बताऊं, आप चाहे जो भी समझे पर किसी का भी पहनावा हमारी सोच पर असर डालता है। आप दो तीन दिन पहले साड़ी में थी तो एकाएक मन में आदर के भाव जागे, क्योंकि मेरी माँ हमेशा साड़ी ही पहनती है, इसलिए मुँह से स्वयं ही माता जी निकल गया। कल आप सलवार कुर्ते में थी जो मेरी बहन भी पहनती है, इसलिए आपके प्रति स्नेह का भाव मन में जागा और मैंने बहन जी कहकर आपको आवाज़ दे दी। आज आप जींस टॉप में हैं और इस लिबास में माँ या बहन के भाव तो नहीं जागते, इसलिए मैंने आपको मैडम कहकर पुकारा। शिक्षा। उपयुक्त कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमारे परिधान यानी वस्त्र न केवल हमारे विचारों पर वरन दूसरों के भावों को भी बहुत प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, हमारा पहनावा ही हमारी भाव को प्रकट करता है, इसीलिए अपने पहनावे को अच्छे ढंग से पहने और रखें।